दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेरियो ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर सिनेरियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सिनेरियो जो ऑप्शन है वो आपको एमएस एक्सेल में भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये सिनेरियो होता क्या है। दोस्तों सिनेरियो एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हर एक कंपनी अपना एक अनुमान लगाती है कि उसको फ्यूचर में जाकर के कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक कंपनी है जिसने 100 पीसेस का यहाँ पर गुड्स को परचेज किया है और उसके बाद 50 पीस को अगर वो सेल करती है तो उसे कितना प्रॉफिट यहाँ पर अपने मार्जिन को ऐड करने के बाद होगा, इसका वो एक सिनेरियो बना सकती है। इसी तरीके से आपके पास टेली प्राइम में बहुत सारे वाउचर्स हैं जिसमें से आप किसी भी वाउचर का आप यहाँ पर सिनेरियो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर सिनेरियो का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर देख सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सिनेरियो के नाम से। मिलिंग नेम में सेम नाम रखते हुए हम यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर टाइप कर देना है। तो रैंडमली हम यहाँ पर एक फ़ोन नंबर टाइप कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फैक्स नंबर फिल करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की मेल आईडी टाइप कर देनी है। तो रैंडमली हम यहाँ पर मेल आईडी टाइप कर दे रहे हैं और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट को फिल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको सेम डेट रखते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है सिनेरियो के नाम से। इसके बाद आपको एंटर करके यहाँ से जीएसटी वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिल कर देना है। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर एक जीएसटी नंबर फिल कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जीएसटी R1 को आप मंथली फाइल करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मंथली को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और जीएसटी को हमने यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद आपको आना है यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको जाना है शो मोर पर। शो मोर पर जाकर के जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिनेरियो के नाम से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आपको सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप जो भी सिनेरियो का नाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं शो प्रॉफिट। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इंक्लूड एक्चुअल का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसे आपको यस रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर इंक्लूड के अंदर आप कौन कौन से वाउचर को ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सभी वाउचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शनल वाउचर के अंदर, यानी जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर सिनेरियो के अंदर। तो यहाँ पर हम जिस भी वाउचर को सिनेरियो के अंदर ऐड करेंगे उसके अंदर हम ऑप्शनल एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं सेल वाउचर को। इसके अलावा और भी अगर किसी वाउचर को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक वाउचर को ऐड करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप इसमें से किसी भी वाउचर को यहाँ पर सिनेरियो के अंतर्गत नहीं रखना चाहते तो उस वाउचर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे एंड ऑफ लिस्ट रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर अपना सिनेरियो तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सीधे आ जाना है वाउचर्स के अंदर। वाउचर में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने सेल वाउचर यहाँ पर ओपन है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले किसी गुड्स को परचेज करेंगे और उसके बाद सेल वाउचर में उसका सिनेरियो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 या तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट पर आपने गुड्स को परचेज किया था और यहाँ पर आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। तो पार्टी का नाम हम ऑल्ट सी प्रेस करते हुए यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी का नाम हमने दे दिया है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कमल इंडस्ट्रीज
और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे अंडर ऑफ सेंडरी क्रेडिटर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके रजिस्ट्रेशन टाइप में आप यहाँ पर रेगुलर या कॉम्पोजिशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ पर आपको अपने पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना है। अगर आपके पास आपकी पार्टी का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर एक जीएसटी नंबर फिल कर दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रिसिप्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इन सभी डिटेल को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप चाहें तो कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परचेज कैलकुलेटर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर हम परचेज कैलकुलेटर क्रिएट कर लेते हैं और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे परचेज अकाउंट के। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। गुड्स को सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पर अपने आइटम्स को क्रिएट करना होगा, तो ऑल्ट सी की मदद से हम यहाँ पर एक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 13 प्रो और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इसे ऑल्ट सी करते हुए इसका अंडर ऑफ ग्रुप तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर तैयार कर लिया एप्पल और इसे अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिट, इसको हमें यहाँ पर यस करना है और यस करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम अपने एचएसएन डिटेल्स को फिल करेंगे, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर और यहाँ पर आपको अपना एचएसएन नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में चाहें तो मोबाइल लिख सकते हैं, जो भी आइटम का आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी रेट सेट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। जितना भी जीएसटी रेट यहाँ पर है उतना आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर मोस्टली यहाँ पर 18% का जीएसटी टैक्स होता है, तो हम यहाँ पर 18% सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यूनिट यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम यूनिट में क्रिएट कर देते हैं नोज और यहाँ पर टाइप कर देते हैं नंबर्स और उसके बाद एंटर करके यहाँ पर नंबर्स को सेलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद जैसे आप यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो भी जीएसटी और जो भी एचएसएन नंबर यहाँ पर फिल किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एचएसएन डिटेल है वो यहाँ पर ग्रुप में हमने डिफाइन कर दिया है। अगर आप अलग अलग आइटम्स के ऊपर अलग अलग एचएसएन नंबर या अलग अलग जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ग्रुप में ना डिफाइन करके डायरेक्टली आप यहाँ पर डिफाइन उसे कर सकते हैं, यानी यहीं पर ही आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो जीएसटी रेट है वो स्टॉक ग्रुप के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर दीजिए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 पीसेस को यहाँ पर परचेज किया है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका जो प्राइस है हम टाइप कर देते हैं 65,000 और इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 65 लाख रुपए का हमें यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है, यानी 65 लाख रुपए का हमने टोटल यहाँ पर परचेजिंग की है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर और भी आइटम्स ऐड करने हैं तो वहीं पर ही आपको ऑल्ट सी प्रेस करना था। हम यहाँ पर अब कोई भी और आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑल्ट सी के साथ एक लेजर क्रिएट करना है सी जीएसटी के नाम से और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सी जीएसटी, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर 0% रखते हुए एंटर प्रेस करना है, राउंडिंग मेथड्स के अंदर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सी जीएसटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि 9% है। इसके बाद आपको यहाँ पर वापस से एंटर प्रेस करना है। ऑल्ट सी के साथ आपको यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करना है एस जीएसटी के नाम से और इसको अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए जीएसटी सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको एस जीएसटी और यूटी जीएसटी को सेलेक्ट करते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18% का हमारा टोटल जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट है विद जीएसटी वो 76,70,000 रुपए का हमारा यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी को हटा करके हमारा जो टोटल परचेजिंग अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्ट F1 की मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं 65 लाख रुपए का हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है जो कि हमने यहाँ पर परचेज किया है एप्पल का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अगर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट अभी नहीं आया है और यहाँ पर हम सिनेरियो की मदद से देखना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर 50 पीस को बेच दें
70,000 रुपए के हिसाब से, तो हमारा लगभग कितना प्रॉफिट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिनेरियो बना लिया है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शनल एंट्री पास करनी है। तो दोस्तों ऑप्शनल एंट्री पास करने के लिए आपको यहाँ से वापस से वाउचर के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको F8 प्रेस करना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ से सेल्स वाउचर पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सेल्स वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर पार्टी का नाम अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा। तो आप चाहें तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt-C की मदद से यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt-C की मदद से हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं मोहन इंडस्ट्रीज के नाम से, और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सेंडरी डेबिटर के अंदर। और उसके बाद आप यहाँ पर एंटर एंटर करके आप यहाँ पर चाहें तो रजिस्ट्रेशन टाइप कॉम्पोजिशन और रेगुलर रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं। जीएसटी नंबर अगर आपकी पार्टी का आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पैच डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी डिटेल फिल ना करते हुए कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको एंटर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स लेजर के अंदर आपको यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करना है सेल्स वाउचर का। तो यहाँ पर Alt-C की मदद से हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं सेल्स का, और इसे अंडर डाल देंगे सेल्स अकाउंट के। यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके गुड्स को रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद हमारे दोनों लेजर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद स्पेस प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि 100 नोस का हमें आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें से हम 50 आइटम्स को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो इस आइटम को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर देंगे 50, और उसके बाद हमने इसे जब परचेज किया था तो 65,000 का हमने इसे पर पीस परचेज किया था। इसे हम 70,000 रुपये में सेल कर रहे हैं पर पीस। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल सेल्स अमाउंट है वो 35,00,000 रुपये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ पर CGST को सिलेक्ट कर लेना है। CGST आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,15,000 रुपये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे 50 नोस पर है। और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम SGST को सिलेक्ट करते हुए एंटर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शनल का। दोस्तों यहाँ पर आपको इस एंट्री को पास नहीं करना है, इस एंट्री को फिलहाल हम यहाँ पर ऑप्शनल में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्शनल का, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको ऑप्शनल दिखाई दे, यानी इसका जो फायदा होगा वो ये होगा कि ये हमारी एक्चुअल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अभी मैं आपको इसका बैलेंस शीट यहाँ पर दिखाऊंगा, इससे पहले हम इसे एंटर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टोटल सेल विद GST है वो 41,30,000 रुपये का हमारा यहाँ पर टोटल 50 नोट्स का सेल हो चुका है। इसके बाद हम इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से स्कैप करके हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद जैसे हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल परचेजिंग अमाउंट जो कि हमारा 65,00,000 रुपये का था, हमें केवल वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स में हमने यहाँ पर कोई भी अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हमने जो सेल्स यहाँ पर की है वो सिनेरियो के हिसाब से ऑप्शनल सेल की है। अब इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt के साथ C। Alt के साथ जैसे ही आप यहाँ पर C प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिनेरियो डिटेल्स आपको दिखाई देगी। जिस डेट पे आपने सेल की है, यानी जिस डेट का आप सिनेरियो यहाँ पर देखना चाहते हैं, उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर आपको डिफॉल्ट रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ वैल्यू टू शो के अंदर हमने जो यहाँ पर सिनेरियो बनाया था शो प्रॉफिट के नाम से, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसे सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। शो वेरियंस के अंदर आपको यहाँ पर इसे वाई प्रेस करके यानी यस करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने हमारा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। एक्चुअल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर परचेज किया था 65,00,000 रुपए का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 35,00,000 रुपए की हमारी यहाँ पर सेल्स हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 32,50,000 रुपए का हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है, जिसके अंदर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,50,000 रुपए का हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों सिनेरियो की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका गुड्स यहाँ पर सेल होता है तो आपको टोटल कितना प्रॉफिट होता है। इसके बाद स्कैप करके हम यहाँ से बाहर आएंगे, दो बार डी दबाते हुए यहाँ से हम डेबुक में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो एंट्री है अभी यहाँ पर ऑप्शनल हमें दिखाई दे रही है।
इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है अभी ऑप्शनल है। अगर आप इसे रेगुलर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने अभी ये सिनेरियो के अंदर इसे ऑप्शनली यहाँ पर एंट्री पास की है, आप चाहते हैं कि ये रेगुलर पास हो जाए, तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर रेगुलर का। आप रेगुलर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल यहाँ से हट चुका है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ईवे बिल जनरेट करने के लिए हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो फिलहाल हम इसे नो रखते हुए यहाँ से इसे स्किप कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एंट्री थी अभी फिलहाल हमें ऑप्शनल में दिखाई दे रही थी वो प्रॉपर तरीके से सेल्स वाउचर में यहाँ पर पास कर दी गई है। इसके बाद स्कैप करके जैसे आप यहाँ पर बाहर आएंगे और यहाँ से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्ट F1 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा परचेजिंग अमाउंट हमारा यहाँ पर 65 लाख रुपये का था, सेल्स अमाउंट यहाँ पर 35 लाख रुपये का है, नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना सिनेरियो तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उस सिनेरियो को यहाँ पर रेगुलर करना चाहें, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो सिनेरियो यहाँ पर बनाया गया था वो यहाँ से रेगुलर में कन्वर्ट हो जाए तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे रेगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।